हे गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। आज क्या होने वाला है? आज हम 2 किलो चिकन करी बनाएंगे। क्या हो रहा बोले तो, जलालपुर के लोग आज अन्नपूर्णा कॉलेज आने वाले हैं, उनके लिए हम एक बड़ा सा दावत रख रहे हैं। उधर मेरा कंट्रीब्यूशन 2 kg चिकन करी होगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुकिंग शुरू करते हैं। तो पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं हम। अभी 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेशन के लिए लगाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर भी लगा सकते हो। कोई लोग 1 दिन पहले भी मैरिनेशन करने के लिए चिकन को लगाते हैं, उसको फिर बाद में फ्रिज में ला के स्टोर कर देते हैं, नेक्स्ट डे पकाते हैं। हमारे पास अभी तो टाइम नहीं है, तो इसलिए हम 1 घंटा मैरिनेशन लगाएंगे। मैरिनेशन के लिए पहले आप इसमें हल्दी डालो, और इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू तो कंपलसरी चिकन में डालना पड़ता है मैरिनेशन के लिए, क्योंकि नींबू जो होता है वो स्मेल को काट देता है चिकन का, जो अजीब तरीके का स्मेल आता है उसे। ये सब आइटम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो आप लोग, और फिर इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं 1 घंटा। अभी हम लोग मसाले का पेस्ट बनाएंगे। खोपरा और कसकस रोस्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लिया, और थोड़े खड़े मसाले ले लिए। अब इसको हम मिक्सी में डाल के पेस्ट बनाएंगे इसका। पहले इसमें तेल डालो, तेल को अच्छी तरह गरम करना पड़ेगा। गरम तेल में पहले हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, अभी प्याज ऐड करेंगे गरम तेल में। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करो। प्याज अभी ब्राउन हो चुका है, इसमें हम लोग अभी अलग अलग मसाले डालेंगे। पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप फ्राई कर लो। अब इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। मसाले को भी थोड़ी देर तेल में फ्राई कर लो, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। थोड़ा देर इसको ढक के रखो, 1-2 वाफ ले लो, जब तक ये मसाला सूख जाएगा और इससे तेल बाहर निकलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मसाला ड्राई हो गया है और तेल भी छूट रहा है। अब इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो और थोड़ा देर फ्राई भी कर दो इसको। अभी इसको थोड़ा देर ढक लेते हैं, और इसके बाद ये जब पानी छोड़ेगा तो इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको पकाना भी होता है, तो पानी से ही इसको उबालेंगे। और इसके बाद हम इसमें टोमेटोज ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ी देर मिक्स कर लो, अच्छी तरह से मिक्स कर लो इसको। अब इसमें हम टोमेटोज ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो, और इसके बाद हम फिर इसे 20 मिनट्स तक भाप पे लगाएंगे। तो गाइज, अभी चिकन रेडी हो गया है, इसको थोड़ा देर उबाल लेते हैं, थोड़ा ड्राई करते हैं ग्रेवी। तो दोस्तों, चिकन रेडी हो गया है, अभी हम इसको लेके चलते हैं। एक ही डब्बे में पूरा चिकन आ गया। मैं अपनी स्कूटर में कॉलेज को मेरा चिकन लेके गया, सबको बहुत पसंद आया। और इसके अलावा मैं जलालपुर के लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे देखा, और सब सुविधाएं बहुत बढ़िया थे उनके। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे और बनाते ही रहेंगे।